हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लाई हूँ न्यू लॉन्च लिपस्टिक्स के रिव्यू। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका रिव्यू अपलोड करने में मैंने 2 दिन लगा दिया, बिकॉज आप देख रहे हो मेरी आईज थोड़ी सी रेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ये रेड हो गई थी और इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो अब मैं बताने वाली हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये है शुगर से, और ये 4 लिक्विड लिपस्टिक जो न्यू लॉन्च है। सबसे पहले तो आप पैकेजिंग देख लीजिए, थोड़ी सी ट्रिकी है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक इस तरीके से ओपन होगी, एंड जैसा कि अब मैंने आपको हॉल वीडियो में दिखाया था, और लिपस्टिक की इनर पैकेजिंग ये आप देख सकते हो इसी तरीके की है। और ये शुगर की मेटल लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, और ये ना एक्सपेंसिव हैं। 1200 रुपये की लिपस्टिक है। एंड बात करूँ लिपस्टिक के प्रोडक्ट क्वांटिटी की, तो 7 ml है प्रोडक्ट क्वांटिटी, और 1199 यानी कि 1 रुपया कम है। पूरे 1200 रुपये की लिपस्टिक है, और ये 2 ईयर्स शेल्फ लाइफ के साथ में आती है। और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो लिपस्टिक के यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइक यहाँ पर देख लीजिए आप। एक सेकेंड, ओफो, एक मिनट। यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं दोस्तों। और ये जो लिपस्टिक हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, और आपने पिक्चर्स में देखा ही होगा, मैंने इंस्टाग्राम पर इनकी सभी फ़ोटोज़ अपलोड की थी। ये 4 शेड मैंने लिए हैं, और लिक्विड लिपस्टिक में लॉन्च हुए हैं 12 शेड दोस्तों, और 12 के 12 शेड्स जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। और मैंने आपको डायरेक्ट स्टोर से भी वीडियो बनाकर दिखाई थी, हैंड स्वेचेस जब उन्होंने मुझे दिखाए थे। तो ये जो लिपस्टिक है इनके बारे में मैं बता दूं, गेट योर हॉट ऑन लेडीज, से हेलो टू द लस्ट्रस शुगर मेटल लिक्विड लिपस्टिक, अ लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक एंड नरिशिंग फॉर्मूला दैट कीप्स लिप्स कवर्ड विद इंटेंस बोल्ड कलर फ्रॉम AM to PM। दैट्स ट्रू, लास्टिंग बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। यू विल लव द लग्ज क्रीमी टेक्स्चर ऑफ द कांट रेसिस्ट लिपर दैट इज नॉट ओनली अल्ट्रा लाइट वेट बट ऑल्सो सिल्की स्मूथ। दैट्स ट्रू, बट पिगमेंटेशन इज सुपर। एंड मैंने इसमें 2 न्यूड शेड लिए हैं, 2 लिए हैं ब्राइट, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए आप इसके डेमो को अच्छे से देखिएगा अगर आपको लेनी है। और ये आपको शुगर की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, और आप इसको डायरेक्ट स्टोर से ले सकते हो। पहली चीज़ तो ये स्टोर से लेने से कई बेनिफिट हो जाते हैं, और शेड्स आप अच्छे से देख पाते हैं। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। ये जो लिपस्टिक है इसमें 12 शेड आए हैं, और ये जेंटली यू नो रिमूव हो जाती है मेकअप एप्लीकेशन से, और मेकअप रिमूवर से, सॉरी यू नो बिना मेकअप रिमूवर के ये रिमूव नहीं होगी। एंड इसका जो ब्रश है उससे इजीली ये पूरे लिप्स पे अप्लाई हो जाती है। और इस लिपस्टिक के अंदर है विटामिन ई एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जो कि आपके लिप्स को जवां बनाए रखेगी। जी हाँ, और इसके अंदर है गामा ओरिजेनोलो विद इमोलियंट एंड रीस्टोरिंग एक्शन। और इसमें एडिशनल जो है वो मैं बता देती हूँ, दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड अप्रूव्ड एंड 100% सेफ फॉर योर स्किन। एक मेरी व्यूअर है, उन्होंने कहा शुगर के प्रोडक्ट कहाँ से सेफ होने लगे स्किन के लिए। डियर, उनकी साइट पर डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है दिस इज सेफ फॉर योर स्किन, तो आप जा करके चेक कीजिए। मैं वहीं से पढ़ करके आपको ये सारी बात डिटेल में बता रही हूँ। दिस इज मेड इन इटली प्रोडक्ट, एंड 7 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। जी हाँ, जो लिक्विड लिपस्टिक है वो मेड इन इटली है, एंड जो जो बुलेट लिपस्टिक थी वो मेड इन चाइना थी। यस, ये मैंने आपको बताया था साइट पर पढ़ के। अब बात करते हैं लिप स्वैचेस की। तो ये रहे 4 लिप कलर जो मैंने लिए हैं। ये देखिए, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, हैवी है, क्लासी है। और अब मैं एक एक करके लगाऊंगी, उससे पहले मैं अपने लिप्स से ये लिप बाम रिमूव कर दूं। एक मिनट दोस्तों, वेयर इज माई मिरर। सो दिस इज द लिपस्टिक, एंड इसे मैं अभी अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ।
तो ये मैंने अप्लाई कर ली है एंड ये बहुत ही क्विकली जो है वो ड्राई हो रही है और आप इसे रियल लाइट में देख रही हैं और ये आप पास से देख लीजिए। एंड क्योंकि ये एक लिक्विड लिपस्टिक है तो बहुत जल्दी ये किस प्रूफ लिपस्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसी शुगर की पहली वाली जो लिक्विड लिपस्टिक आती थी, लाइक आती है 499 रेंज की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर इसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो अब मैं लगाने वाली हूँ दूसरा शेड, और ये भी आप देख लीजिए मैं मेकअप रिमूवर वाइप जो है इससे रिमूव कर रही हूँ, तो ये कैसे रिमूव हो रही है, एक ही बार में नहीं हट रही है, विच इज सैड। पता है जिस दिन मैं लिप स्वैचेस करती हूँ मेरे लिप्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। ओफो, तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है दूसरा शेड, और ये ना कुछ ज्यादा ही ब्राइट रेड है, मतलब ये आलता वाला कलर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज द शेड। और इससे पहले जो मैंने पिंक शेड अप्लाई किया था वो था 12 नंबर, या आप नंबर देख लीजिए, एंड वेट अ मिनट, ओके। और ये वाला जो लिप कलर है दिस इज नंबर 10 मिमोसा, और ये अगर कोई अपने वेडिंग डे पर अप्लाई करना चाहता है लिप्स पे तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लिपस्टिक है ये, और बहुत ही खूबसूरत वाला कलर है। इनफैक्ट ये एक टोन पिंक और रेड का मिक्सचर है, सो ये अच्छा लगेगा, और लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रहे हैं लिप्स, इसलिए लिप बाम ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है तीसरा शेड, और ये शेड है 08 एल्कोर, एंड ये आप देख रहे हैं एज इट इज़ लिप्स पे इनफैक्ट एक टोन डार्कर ही लग रहा है। बस एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है कि लिपस्टिक को छुटाते समय जो है ना बहुत ज़्यादा लिप्स, मतलब क्या मैं बताऊँ, ये देखिए इतनी मुश्किल हो रही है इसको रिमूव करने में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से लिप्स पे एकदम ऐसा लग रहा है चिपक गई है, किसी ने पेंट कर दिया है, बट केक ही नहीं हो रही है मतलब। लेकिन एक ही लेयर लगाएं, और किस प्रूफ लिपस्टिक को टचअप करने का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि उसको रिमूव करो फिर लगाओ, मतलब इस पे नहीं अप्लाई कर सकते आप, बट ये शेड बहुत सुंदर है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है फोर्थ शेड, और ये लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रिटी, और पूरी रेंज में मुझे लगता है कि ये वाला शेड एंड ये जो शेड है एल्कोर, ये मेरे मोस्ट फेवरेट वैसे भी हैं, स्टेला एंड एल्कोर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी एवरी डे के लिए। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो मेरे लिप्स ऑलरेडी स्वेल हो गए हैं इसको रिमूव कर करके, एंड किनारे किनारे का कॉम्पैक्ट जो है वो क्लीन हो जाता है, इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज कोई दूर से ऐसे देखे लिपस्टिक लगाए हुए तो लिपस्टिक एकदम फ्लॉलेस है, इसके लिए बढ़िया है। अदरवाइज बस यही थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है कि रिमूव करने में बड़ी दिक्कत होती है, इतनी भी नहीं, मतलब टाइम लगता है, मिजला वाटर से थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। मैं मैसी करके नहीं रिमूव करना चाह रही थी, इस वजह से थोड़ा डेलिकेट तरीके से रिमूव कर रही हूँ इस वजह से। अदरवाइज लिपस्टिक बहुत बढ़िया है और ये शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, फिर भी मतलब अगर मेरी सजेशन पे आप जाते हो तो पहले सिर्फ एक लिप कलर इसमें परचेज करें, बिकॉज एक्सपेंसिव होने के साथ पहले आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, यदि ये आपको पसंद आता है तो आप इसके भले ही सारे शेड ले लो, अगर नहीं पसंद आता है मान लीजिए और आपने सारे पैसे अपने लगा दिए इस पे, मतलब अपना जो मेकअप का आपने बजट बनाया, बिकॉज ये अगर आप 10 शेड 12 शेड परचेज करोगे या 10 शेड लोगे इसमें तो 10 शेड ही 12,000 रुपए के हो गए। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि एक लिपस्टिक लीजिए पहले, और अगर पहले लेना ही है तो शेड नंबर 8 लीजिए, जिससे कि आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है ना जी। हाँ,
ये थी मेरी एडवाइस और ये है मेरा सजेशन, रिव्यू डेमो जो भी आप कह लीजिए। एंड यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर देखें। कोशिश करती हूँ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के रिव्यू करने की, बिकॉज़ सारी चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकती मैं, बट जिन चीज़ों तक मेरी पहुँच है उन्हें मैं परचेज़ कर लेती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आज इसका जो है वो रिव्यू अपलोड हो गया है, लिप स्वैचेस हो गए हैं। थैंक यू।